गुड इवनिंग सर। देखो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में मतलब क्या है, कुछ डेटा गिवन होता है, ठीक है, हमें उसको हैंडल करना है, मतलब उसको देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, बस इतना इजी सा है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर के लिए क्या है, इसमें बार ग्राफ ये ऐसे होते हैं, बार होते हैं, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, ठीक है, बेसिक सा है आपके सिलेबस में, ज्यादा नहीं कुछ भी। ओके, अब देखो, अगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोर क्वेश्चन के लिए डेटा है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ध्यान से नीचे डेटा पढ़ो और नीचे आंसर दे रखे हैं वो बताओ। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ओवर द ईयर्स, ठीक है, कोई कंपनी है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हुआ है ओवर द ईयर, कुछ सालों में वो गिवन है। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट बचता है, इसने ये बता रखा है हमें। ओके, ठीक बात है। अब देखो जो ये व्हाइट कलर में ये बार, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकम को, और जो ब्लैक कलर में बार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को। अब देखो हम नाइन ये ईयर्स दे रखे हैं, ये इनकम है लैक्स में, ठीक है, 10 लाख, 20 लाख, 30, 40, 50, 60, 70 लाख दिस। अब ये ईयर्स है 1982, 1983, 1984, 1985, 1986। तो जो 1982 है उस वो जो इनकम वाला बार किसके सामने, 30, तो मतलब 1982 में इनकम कितनी हुई, 30 लाख, एक्सपेंडिचर कितना है, 20 लाख, 20 के सामने। इस तरह 19 इसमें कितना, 83 में 50, इसमें बची 30, ठीक है। अब इसी तरह देख लेते हैं 1984 का डेटा में किसके सामने, 40 इनकम है और एक्सपेंडिचर कितना बचे, 30। थर्टी इसी तरीके से देख लेते हैं इनकम कितना है, 60 1985 में, और एक्सपेंडिचर कितना बचे हमारा, 40। अब देख इसमें देखे तो इनकम कितना है, 60, एक्सपेंडिचर कितना है, अब 40 और 30 के बीच में है तो 35 ले लेंगे हम, ठीक है। बस इतना सा डेटा था, अब इस डेटा को हम सोल्व कर देंगे। ओके, एक्सक्यूज मी सर, सुनो भाई, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जिसके सामने वो बार की ग्राफ की हाइट है ना, वो वैल्यू होगी। अब देखो ये हाइट सर 40 के सामने, 30 की हाइट, तो मतलब 40 है, ये हाइट किसको मैच कर रही है, 60 को, तो ये 60 वैल्यू, ये हाइट किसको मैच कर रही है, 50 को, तो ये वैल्यू 50 है। जो हाइट जहां मैच कर रही हो उतनी वैल्यू होगी, यहां से ये सीखना है हमें, ठीक है। अब देखो ये कुछ डेटा था, अब मैं यहाँ पे साइड में ना एक बार लिख देता हूँ आपके लिए डेटा, ताकि फिर मैं जब इसको ग्राफ को ऊपर करूंगा तो दिखाई दे। अब कौन कौन से ईयर थे, 1982, 83, 84, 85 और 86 बचे, ठीक है, और क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों लिख देता हूँ बातें में, ठीक है। अब देखो इनकम कितनी, 1982 में 30, 30, एक्सपेंडिचर 30, 20, इसमें 50, 50, 30, 30, ठीक है, 40, 30, 40, 30, 60, 60, 40, 40, और ये 60, 60 35, और 35 बचे, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये डेटा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं हम आगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इन 1983 एंड 1984? 1983 और 1984 के प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है? तो सर आई हैव सेंड इट डन सर, 1983 में कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट के लिए स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 20 तो इसमें 20 सर, प्रॉफिट हुआ है, इसमें कितना हुआ है, 10 20 हुआ है, इसमें 10, 20 इसमें 20, और इसमें इसमें कितना 10 बचे, हुआ है। 25। तो 1983 में प्रॉफिट हुआ था हमें, दैट इज 20, और 1984 में कितना हुआ है, 10, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है दोनों में, 10 लाख का। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ठीक बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 लाख, बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने का मतलब वो ऐसे नहीं है कि पेन नोटबुक फेंक दो, उसे नहीं समझिए, ठीक है। देखो भी इसने नेक्स्ट क्या बोला, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द इनकम इज मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ द गिवन ईयर। ऐसे कितने साल है जिनमें इनकम थी ना एवरेज इनकम से ज्यादा है, तो एवरेज इनकम सबके एवरेज निकालेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ईयर की इनकम कितना है, 30, सेकंड ईयर में इनकम 50 है बच्चे, थर्ड ईयर में इनकम है 40, फोर्थ ईयर में इनकम है 60, और लास्ट में कितनी थी, 60। एवरेज निकाल लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर लो ऐड करके, तो 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 200 210, ठीक है, 210 प्लस 240, 240 डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 5 4 20, 5 8
40, तो एवरेज 48 है। अब देखो कितने सालों में एवरेज से ज्यादा है, एक तो 83 में ज्यादा था, एक इसमें एक तीन सालों में, तो एक तो 83, 85, 86, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 83, 85, 86, ऑप्शन डी। इन तीन सालों में जो इनकम थी वो एवरेज इनकम थी उससे ज्यादा हुई है, ठीक है, नोट कर लो। ओके सर। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोलता है, थोड़ा थर्ड वन नेक्स्ट ये बोला इसने कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द इयर्स टुगेदर, टोटल प्रॉफिट कितना हो, इन सबको ऐड कर लो, ये प्रॉफिट है ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया, तो 10 + 20 + 10 + 20 + 25 ऐड कर लो, ये टोटल प्रॉफिट बन गया बच्चे, लास्ट में 5 आएगा, 2 + 2 = 4 + 1 = 5 + 6 = 85 85 लाख इन लैक्स हम तो 85 भी चल रहा है तो 85 लाख हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 85 लाख ठीक है क्वेश्चन 4 लास्ट सर करने दो सॉल्व ठीक है सॉल्व करने दो क्वेश्चन नंबर 4 इस बार क्या पूछा था इसने, इसने बोला था व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर 1983 85 86 83 में एक्सपेंडिचर कितना हुआ था 30 85 में ठीक है 40 और 86 में 35 सबको ऐड कर लो ठीक है आंसर ऑप्शन बी बी इज राइट आंसर 105 कितना था इन लैक्स एक्सपेंडिचर हुआ था टोटल हमारा ठीक है तो ये पहला डी समझ आया सबको क्लियर है ना ओके गुड देखो ये हमारा डेटा है क्वेश्चन नेक्स्ट 5 टू 8 के लिए ठीक है क्या डेटा गिवन है द गिवन ग्राफ हियर शोस द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ कंट्री इन डिफरेंट ईयर ठीक है फूड ग्रेन डिफरेंट अब देखो मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि इसको ऊपर करें देखो 1980 81 82 83 84 85 इन ईयर्स में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है 1980 में कितना हुआ 30 ठीक है इसमें कितना हुआ 35 इसमें कितना हुआ 20 से कम है ना हाँ अब ये देखो ध्यान से अगर मैं देखूंगा ना देखो ये 20 है ये थोड़ा कम है 18 कर लो है 15 नहीं बीच में आएगा 15 होता तो ठीक है तो 1982 का 15 18 हो जाएगा और 1983 का 20 होगा ठीक है इसका हो गया 18 और इसका हो गया हमारा 20 और इसके कितना हो जाए 10 और इसके कितना 30 10 और 30 बस ये प्रोडक्शन था ये हमने लिख लिया अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे ठीक है देखो क्या क्या बोला इसने क्वेश्चन 5 फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1984 टू 1985 में कितना परसेंट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 10 से 30 प्रोडक्शन होगा तो कितना इंक्रीज हुआ 20 तो 20 इंक्रीमेंट हुआ 20 ओरिजिनल नंबर कितना 10 परसेंटेज मैं कन्वर्ट करना 200 200% इंक्रीमेंट हो गया परसेंटेज चैप्टर में मैंने करवाया था ना इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100 तो 10 से 30 हुआ बचे तो इंक्रीमेंट 20 हुआ इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर दैट इज 10 परसेंटेज में कन्वर्ट करना इनटू 100 200% आंसर ठीक है नोट कर लो हां रुको एक बार देखो नेक्स्ट फाइंड हाउ मेनी इयर्स प्रोडक्शन इज मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द इयर्स ठीक है एवरेज प्रोडक्शन से कितने सालों में ज्यादा हुआ था एवरेज निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा ना और डिवाइड बाय जितने भी ईयर है कितने साल हो गए उनसे डिवाइड कर लो ये कितने सालों का डेटा है 1 2 3 4 5 6 तो 6 से डिवाइड कर लेंगे मुझे इनको ऐड करो कितना हो जाएगा देखो 30 + 10 = 40 40 + 20 = 60 और मैं इसको 10 ऐड कर रहा हूँ 60 + 10 = 70 70 + 30 100 100 130 130 और 5 135 135 + 8 143 डिवाइड बाय 6 ठीक है कितने बन रहा है अब 143 को डिवाइड कर लो मुझे 6 से 6 2 जा 12 रिमाइंडर 2 कैरी 3 6 4 जा 24 होता है पर 6 3 जा 18 पे जाएगा रिमाइंडर 5 बचा डेसिमल लगाया ठीक है जीरो लगाया वो नीचे ठीक है 6 8 जा 48 मतलब एवरेज कितना आएगा 23.8 समथिंग कुछ आएगा तो इसने पूछा एवरेज ये एवरेज से कितने सालों में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ देखो 23 से ज्यादा है ना इसमें इसमें भी ज्यादा है इसमें कम है इसमें कम है इसमें कम है और इसमें ज्यादा है तीन साल ऐसे थे 1980, 1981 और 1985 जिन उन तीन सालों में जो प्रोडक्शन था हमारा एवरेज से ज्यादा हुआ है 23.8 से ज्यादा हुआ है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज राइट आंसर ठीक है ये वाला
तीन सालों में एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था उन तीन सालों में, ठीक है, नोट करो, ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना था भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में एवरेज फाइंड आउट करना किनका, 1981 3 और 5, 81 में कितना डेटा है भाई 35, 83 में 20 और 85 में 30, इन सबको ऐड किया 85 एवरेज निकालना, 3 से डिवाइड कर दो तो 28.333 चलेगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन इसी तरीके से बच्चे 8 वाला सॉल्व करेंगे तो 8 वाले में टोटल प्रोडक्शन है वो हमने यहां भी निकाला था एवरेज निकालने के लिए 143 आया था ना, बस ऑप्शन सी इज राइट आंसर 143, क्योंकि हमने जब 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किया था तब किया भी था। हां सर मैंने 720। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। एक इंफॉर्मेशन दे रखी है मंथ्स मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, और सोल्ड बनाना जितने बिके हैं और इसकी एक वैल्यू की एक का वैल्यू है मतलब 6 डजन, इसे एक ये चक्कर सा बना दिया ना ऐसे, इसका एक का वैल्यू कितना होता है 6 डजन, ठीक है, तो मार्च में कितने 1 2 3 4 6 4 का 24 डजन, तो मार्च में कितने बिके होंगे 24 डजन, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मार्च में कितने बिके हैं भाई, हां यहां लिख लेंगे ताकि फिर मार्च में कितने डजन बिके हैं 24 डजन है ना, 6 × 4 अप्रैल में कितने डजन बिक गए 1 2 3 4 5 6 6 36 डजन, एक की वैल्यू 6 है और ये से 6 राउंड राउंड बिके हैं, ठीक है, मई की 18 श्रेया श्रेया म्यूट रखो बच्चे, हां जी, और जून में 12 डजन और जुलाई में 30 ठीक है, बस समझा इजी है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से देख लेते हैं आप, ठीक है, इसने पहले बोला है देखो क्वेश्चन 9 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बनाना सोल्ड ड्यूरिंग द गिवन मंथ्स, इन सारे मंथ्स में कितने बनाना सोल्ड हुए, ठीक है, इन सारे डजन को ऐड कर लो और एक डजन में कितना होता है क्वांटिटी 12, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इन सबको ऐड कर ले भी कितना हो देखो, इन सबको ऐड कर लो, देखो 6 + 4 = 10 10 + 8 = 18 18 + 2 = 20 carry 2 2 + 2 = 4 4 + 3 बस इतना वैल्यू फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखो What is the average number of banana sold in the month of April, May and June? April, May और June में average banana कितने बिके हैं? तो April, May और June में ये तीनों महीने आ गए। कितने dozen हो गए? 36 + 18 + 12 कितना होता है? 30 + 30 = 66 dozen और एक dozen में कितना होता है? 12 ठीक है? और 3 से divide करते हैं क्योंकि average निकालना है। तीन month है ना? तो देखो मैंने कौन से divide कर दिया 3 से 3 को 12 अगला क्वेश्चन देखो बताएंगे बाद में, सबको ऐड कर लिया, 9 में क्या डाउट था, टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने बिके हैं, सबको ऐड कर लिया 120 डजन थे और एक डजन में कितनी वैल्यू होती है 12, तो 120 × 12 = 1440 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो मुझे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कितने बिके 24 डजन, अप्रैल अप्रैल में कितने 36 डजन एंड मई ऑल टुगेदर मई में 18, इन सब मंथ को जोड़ दे इसमें कितने बनाना बिके हैं, तो पहले डजन बना लेते हैं उस डजन से काउंट कर लेंगे क्योंकि एक डजन की वैल्यू पता है 12 है, 6 + 4 = 10 + 8 = 18 carry 1 2 + 1 = 3 3 + 3 = 6 6 + 1 = 7 78 डजन और एक डजन में कितने होते हैं 12 मल्टीप्लाई कर लो आंसर 6 ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ना हो 6 तो आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा।
अगला देखो ऐसे ही, अगला बच्चे बिल्कुल इजी, हाउ मेनी बनाना सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में कितने बनाना है, अप्रैल में कितने 36 डजन और एक डजन में कितने 12, ठीक है 36 प्लस 7 कितना 432, ऑप्शन बी इज राइट है, ठीक है नोट करो। चलिए फिर भी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया ही हमारी, अब ये डेटा कुछ गिवन है, ठीक है देखो इसमें क्या गिवन है, इन द रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओवर द ईयर 2001 टू 2000, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अब ऐसे बार बना के दे दिया, इस बार क्या है हमें देखो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, ये बार के ऊपर वैल्यू लिख दी तो हमारे लिए काम और भी इजी होगा बच्चे आपके लिए, ठीक है जब बार के ऊपर अगर वैल्यू लिख देता है एग्जामिनर तो हमारे और भी इजी होगा हमारे लिए, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। हाँ सर आप वो 2004 के अंदर वो लिखा हुआ है कि वहां पे 6000 डिप्लॉयज है सर, पर अगर बाहर की तरफ देखा जाए वो 6000 से ऊपर है। अच्छा धन्यवाद, आगे देखो भी देखो 2500 हो गए, टू में बचे नो सच करेक्टली 600 3000 35, आप जब दे रखा है तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, इधर देखो आप बस 6000 ठीक है और इसमें कितना हो गया 5 में 5000 ठीक है, ये क्या हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉई थे कितने थे इन थाउजेंड्स, ठीक है अब बस इजी सा हमारा क्वेश्चन रह गया, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू हमने लिख ली, देखो बच्चे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन 13 क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ऑल द इयर्स टुगेदर, सबको ऐड कर दो आंसर, देखो पहले मैं है पहले इन सबको ऐड कर लो 5 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 2 19 19 500 500 कितना होगा 1000 19 प्लस 1 20 20000 आंसर बचे, सबको ऐड करोगे ऑप्शन सी 20000, क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है, क्वेश्चन 14 देखो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द ईयर 2001 2 एंड 3, 2001 2 और 3 के एवरेज एम्प्लॉय कितने, तो इन सबको ऐड कर लो, तीन सालों का पूछा है तो उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने भी बनेंगे बच्चे, 0 0 5 प्लस 5 10 कैरी 1 3 प्लस 3 प्लस 3 9 9000, तो 9000 को बच्चे मैं क्या करूंगा 3 तीन साल 3 से डिवाइड कर दिया 3000, तो 3000 इज राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 3000, ठीक है इसका भी सी ऑप्शन था, ये भी सी ऑप्शन है बस, क्योंकि एवरेज पूछा था तीनों को ऐड किया और एवरेज आ गया हमारा, ठीक है अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसमें क्या पूछा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑल द गिवन इयर्स टुगेदर, सारे के सारे इयर्स में कितने एवरेज है, तो सारे के सारे देखो पहले क्वेश्चन में ऐड किया था हमने 20000 बनना था ना सभी का, तो 20000 को और ईयर कितने हैं 5 डिवाइड बाय 5 5 डिवाइड बाय 5 तो आंसर इज 4000, 4000 हाँ जी ऑप्शन डी दैट इज 4000, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 4000 ऑप्शन डी, ठीक है बस इस तरीके से आपका डेटा हैंडलिंग कंप्लीट होता है, वेरी इजी आएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सोचना नहीं है क्या होगा, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है तो ये चैप्टर मतलब डेटा हैंडलिंग कंप्लीट होता है आपका, ठीक है ओके बाय।